Assalamualaikum. आप न्यूज़ में खुश आमदेद. मैं हूँ मरियम जफर और मैं हूँ नवीद बिलावल. सबसे पहले आपकी हेडलाइन. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात. कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल. जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा ईरान पर ब्रीफिंग भी दी. लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक. औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड. चेरिंग क्रॉस पर 800 का हिंसा उबूर. तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे. गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी जुमे को छुट्टी का ऐलान. तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से मना कर दिया. सोलह साल की उम्र में बड़ा एजाज. फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट डेब्यू करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए. कैप मिली तो मरहूम माँ की याद में आंखें भीग गईं. जानता भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ और मैं कभी मिला नहीं. ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मैंने जब पता किया तो 2017 में जिसकी वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था. तो मैंने भी डीजी रेंजर्स से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई. और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें. टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला के इंकशाफात से सिंध की सियासत में बोनचाल. वजीर आला मुराद अली शाह पुलिस हुकाम पर बरस पड़े. मुलजिम से मुलाकात के इल्जाम को साजिश करार दे दिया. आईजी को डांट पिलाई. बोले एक रिपोर्टर को दहशतगर्द तक रसाई क्यों दी, मामले की तह तक पहुंच गया हूं. अपोजिशन का बड़ा मुतालबा तस्लीम. फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी. एसएन इकबाल ने सुनवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया. मुआवने खसूसी फिरदौसा शिकवान कहती हैं अपोजिशन चोर मचाए शोर का फ्लॉप शो पेश कर रही है, दूसरों की तरह राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं. प्लान ए बी में नाकामी के बाद प्लान सी पर अपोजिशन की एपीसी. हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला. कल पहला जलसा रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर होगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तफ्तीश के तरीकाकार पर सवाल उठा दिए. जिस दिन पूछताछ करनी हो उसी दिन बुलाया जाए. पकड़कर सरकारी खर्चा क्यों बढ़ाते हैं, मुलजिम के भाग जाने का खतरा हो तो नाम ईसीएल में डाल दें. चीफ जस्टिस अथर मिनला के रिमार्क्स. अदालत ने अकरम दुरानी की दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी निपटा दी. चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जज तैनात करने की सिफारिश. मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिया गया. फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में सार्फिन को फिर झटका. दिसंबर के बिलों में हर यूनिट 1.82 रुपए महंगा पड़ेगा. नोटिफिकेशन जारी, शहरियों पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा. सियाचिन मुतनाज़े इलाका भारत सयाहत के लिए कैसे खोल सकता है, दुश्मन की नई चाल पर पाकिस्तान का रद्द अमल. तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मोदी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन खैर की तवक्को नहीं. मकबूजा कश्मीर से फौरी तौर पर कर्फ्यू उठाने का मुतालबा. शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाने लगे. नाजिमाबाद में कार सवार फैमिली घर के दरवाजे पर ही लुट गई. जैसे ही गाड़ी रोकी दो मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने घेर लिया. फुटेज मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस मुलजिमों तक पहुंचने में नाकाम.
کراچی میں آوارہ کتوں کی افزائش روکنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع. شہریوں کا عدم اعتماد, کہتے ہیں چھٹکارا صرف کلنگ سے ہی مل سکتا ہے. لیاقت آباد میں شہری نے فائرنگ کر کے کتے کو بھگایا, فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اب بنگالیوں کے کچن میں پاکستانی پیاز کا تڑکا لگے گا. بھارت نے بنگلہ دیش کو فروخت پر پابندی عائد کی تو پاکستان سے 81 ٹن پیاز کی کھیپ ڈھاکہ پہنچ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ ان ٹربل. مواخذے کی کارروائی کے دوران یورپی یونین میں امریکی سفیر نے شہادت ریکارڈ کرا دی. کہا صدر کا حکم مانتے ہوئے سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرائن کی حکومت پر دباؤ ڈالا. اور آسمان سے اتری چاندی نے پہاڑوں کے حسن کو چار چاند لگا دیے. گلیات, نتھیا گلی, ایوبیا اور چھنڈیانی میں برفباری, رابطہ سڑکیں بند.